हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल। स्वागत है भाई आपको एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए आए हैं नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू, और ये बेस मॉडल है। तो बेस मॉडल की वीडियोस लोग ज़्यादा पसंद करते थे, तो उसी मॉडल की आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। और इसमें काफ़ी काम हो रखा, काफ़ी मॉडिफिकेशन हो रखी है बेस मॉडल को लेकर। जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसकी रूफ ब्लैक है, तो डुअल टोनिंग कर रखी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज है। तो सारी बात करेंगे, ओनर से बात करेंगे इसकी। तो चलो बात करते हैं वीडियो की, और मिलते हैं ओनर से पहले। तो कैसे हो आर्यन भाई? बढ़िया दीपांशु भाई। जैसा भाई हमने पहले इसकी वीडियो बनाई थी, तो लोगों के बहुत डाउट्स थे वीडियो को लेके कि नेक्सॉन की तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि सस्पेंशन की हमने पीछे बात करी थी कि रेंज रोवर वाले सस्पेंशन इसमें, तो उसका क्या राज है? एक बार तो राज खोल दो लोगों के लिए वाले। तो उसका क्या मतलब, क्या था मतलब, किस वीडियो से आपने देखा वो, कैसे भाई? वीडियो नहीं थी वो, जो अपनी वेबसाइट होती है ना, कार देखो वगैरह। हाँ, उसमें मेरा ऐसे ही मन कर गया कि देखते हैं नेक्सॉन के लिए, देखते हैं। मैं ना रेंज रोवर इवोक के वो पढ़ रहा था। अच्छा, ठीक है। उसके थोड़े देर बाद मैंने ना इसके पढ़े, ठीक है, स्पेक्स। हाँ भाई, सेम ही दिखे मेरे को। फिर मैंने कंपेयर करा, मैंने ध्यान से देखा भाई, जो दो तीन जो इसके मैकेनिज्म थे वो सेम दिख रहे थे सस्पेंशन वो। मियां भाई, एक बात बताओ, गाड़ी कितनी चल गई आपकी अभी? जब पहले हमने वीडियो बनाई थी, जब 2-2.5 हज़ार के आसपास चली हुई थी, अब कितनी चला दी आपने भाई? ये अभी 95 हज़ार चली है। 95, मतलब मोटा मोटा 10 हज़ार के आसपास ही चली। तो आपकी मेजर सर्विस हुई अभी? मेजर सर्विस नहीं, वो 15 हज़ार पे होती है। वो 15 हज़ार पे होती है, जो आपने बाकी दो सर्विस तो करवाई होंगी, जो वैसे ही धोखे देते थे इसमें। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? उसका एक्सपीरियंस भाई ऐसा था कि पहले वाले में धोखे दे दी। हाँ, तो अच्छा लगता है कि भाई बहुत सारे बंदे लगे रहते हैं गाड़ी में धोने में। बे काफी लंबा है वो, वॉशिंग वाला। हाँ, वैक्यूम भी चलता है, पॉलिशिंग भी चलती है, बहुत सारे वो अपने कुछ है केमिकल वगैरह वो भी लगाते हैं। मतलब काफी, मतलब अच्छे से करके देते गाड़ी, करते अच्छे से, लेकिन टाइम ले लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं, ये इशू रहता है। मेरे हिसाब से ना, जितनी टाटा की गाड़ी बिक रही है ना, तो हर शहर या हर छोटे से भी छोटे उसमें एक सर्विस सेंटर होना चाहिए, क्योंकि है ना बहुत सारे गाड़ी बिक रही है और वो बहुत एक ही जगह जा रही है। और है ना, काफी लोगों का ऐसा रहता है कि टाटा की सर्विस से उनको शिकायत रहती है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो बताओ भाई। ऐसी बात है कि मेरे पास पहले भी टाटा की गाड़ी थी। हाँ, 7 साल रखी है मैंने, ठीक है। उसकी सर्विस मैंने, मेरे को याद है मैंने 4 साल तक सर्विस कराई थी उसकी, उसके बाद मैंने बाहर से करवाई सर्विस। अच्छा, ठीक है। 4 साल तक भी है ना उसकी सर्विस एक्सपीरियंस ऐसा था कि उस टाइम पे ना ज्यादा भीड़ नहीं होती उस टाइम पे सर्विस सेंटर पे। तो जैसे आजकल बिकने लगी है गाड़ी टाटा की, ज्यादा पहले नहीं बिकती तब तो टियागो और ये टिगोर तो भीड़ कम होती थी। हाँ, ना तो जल्दी जल्दी सर्विस हो जाती थी। अब जैसे नेक्सॉन देख लो, इतनी बिक रही है, पंच इतनी बिक रही है। अब जब हम जाके देख रहे हैं ना कि 4 साल बाद अब भाई भीड़ बहुत है सर्विस, अब तो भीड़ बहुत ज्यादा है। बस भीड़ की वजह से है ना सर्विस एक्सपीरियंस है ना खराब हो जाता है, क्योंकि जब कोई कंपनी क्वालिटी क्वांटिटी देने लग जाए तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं इशू रहता है। या तो आप गाड़ी कम बनाओ या फिर आप सर्विस अच्छी कर लो, ये मतलब दोनों चीजें बहुत मुश्किल होती है। जो लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विस बेकार है, हाँ, तो बस एक ही सोल्यूशन है उसका कि बहुत सारे सर्विस सेंटर बन जाए तो लोड भी कम होगा स्टाफ के ऊपर। आपने जैसे बताया आपने 95 सौ चला दी, तो अभी तक कोई दिक्कत लगी आपको गाड़ी में? भाई दिक्कत मेरे को लगी थी, लेकिन वो दिक्कत नहीं थी भाई। दिक्कत जो थी ना इसमें वो मेरे लिए दिक्कत थी। अच्छा। लेकिन वो एक्चुअल दिक्कत नहीं थी। क्या दिक्कत बात थी ऐसी आपको? थी कि भाई इसका जो ABS है ना। हाँ। वो भाई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, तो मतलब कहीं भी ब्रेक लगा तो उसी टाइम वो एक्टिवेट हो जाता है वो। नहीं, जैसे ये अपने रोड़े पड़े हैं, ये बजरी वगैरह पड़ी है। हाँ। अगर यहाँ पे अगर ज्यादा खींच के ब्रेक दबा दिया या फिर गलती से, कभी कभी ऐसा होता है कि हल्का सा ब्रेक दबा तो भी भाई स्किट मार जाती है। हाँ। ABS इतना जल्दी वर्क करता है, और उसमें होता क्या है, साथ में इसके जो इंडिकेटर है ना, ये बहुत तेज जलने भी लग जाते हैं। अच्छा, हजार्ड स्विच ये चलने लग जाते हैं। और जो ब्रेक है ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लग ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल पत्थर हो जाता है। पत्थर हो जाता है, आगे चल गाड़ी तो चल रही है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा। तो आपका सोल्व हुआ इशू ये? इशू तो अभी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। अभी तो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे ये गड्ढे हैं हल्के फुल के, मान लो 50 की स्पीड पे इसमें टायर गया। हाँ। अगर मैंने हल्का सा ब्रेक ले रखा होगा, टायर भाई एकदम से लॉक हो जाएगा और कटाक से आवाज आती है। ठीक है, ये मैकेनिज्म है ये, मतलब ब्रेक में या सस्पेंशन में किसी चीज में टायर वॉल के अंदर से आवाज थी है। ये ABS की उसमें आवाज। अच्छा, ABS के मैकेनिज्म में आवाज थी। लगता ऐसा है कि अंदर बैठ के भाई कुछ टूट गया गाड़ी से, या फिर लोहे से लोहा लगा है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे और भी गाड़ी थी नेक्सॉन वगैरह। हाँ। तो वो मेरे को ऐसे कह रहे थे कि भाई ये होता है, ऐसे वर्किंग है। मतलब ये मान लो टाटा की तरफ से फीचर मिल गया, ये फीचर मिल गया, मतलब सरदर्दी मिल गई। हाँ। लेकिन मैंने है ना वहाँ पे और भी नेक्सॉन थी, मैंने कहा कि भाई अगर मेरी में है और में भी होगा मेरे को वो चलवा के दिखा दो। मैंने वो भी चला के देखी, उसमें भी सेम था। उसमें भी सेम था। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, तो थोड़ा दुख कम हो जाता है। दुख कम हो जाता है कि भाई सब में ही है। हाँ, चलो क्योंकि तो, हम अलग नहीं है सबसे। हाँ, वो तो पंच में भी है। अगर कोई भाई देख रहा हो ना पंच वाला, वो मेरे को बताना है, कमेंट में बताना कि वो दिक्कत पंच में भी है क्या। आप जब ब्रेक मारते हो कटाक से आती है गड्ढे में या नहीं,
चलो वो भी लोग बताएंगे जब वीडियो देखेंगे। हाँ जी। तो बाकी जैसे आपका हमने शुरू में वीडियो में बताया था कि ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल के बाद आपने काम भी इसमें बहुत करा दिया, तो हमें एक बार थोड़ा डिटेल में आप ब्रीफली बता दो कितना काम इसमें क्या क्या करवाया। भाई मेरे लग गए थे 60,000 रुपए। ठीक है। अब 60,000 में अगर आप देखो तो फ्रंट से कुछ भी नहीं है, फ्रंट से कुछ नहीं है, ऐसी आई थी। हाँ। ऊपर में आप देखो टेपिंग करा रखी मैंने। ठीक है। रूफ रेल लग रही, एंटीना लग रहा, ये पियानो फिनिश का लग रहा, ये पियानो फिनिश के लग रहे हैं। हाँ। और बाहर से कुछ भी नहीं है। और ठीक है, पीछे दिखाता हूँ आपको, पीछे इसमें कैमरा लगा भाई। कैमरा देखो बेस मॉडल में स्टीरियो वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो कैमरा बेस में लग गया। बाहर से इतना ही है, बाहर से बाकी जो भी है वो अंदर है। काम करवाने वाला हूँ मैं। हाँ। ये भी लगवाऊंगा, अलॉय व्हील वगैरह भी धीरे धीरे होने वाले। अच्छा, तो आज गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो भाई जैसे हम अंदर आ चुके हैं, तो अंदर एक बार बताओ अंदर क्या क्या रखा गाड़ी में। अंदर में भाई सीट कवर लग रहे हैं, सीट कवर तो देखो, स्टीयरिंग कवर लग गया, कंट्रोल लग गए अपने, कंट्रोल लग गए, एंबिएंट लाइट, म्यूजिक सिस्टम, आर्म रेस्ट, ये डे नाइट वाला रखा है। हाँ। और जैसे जाली वगैरह होगी, माइक, एक सेंटर लुकिंग भी, एक सेंटर लुकिंग लगवा रखी। यही है ना, ज्यादा कुछ नहीं करवाया, मतलब अपनी जरूरत की चीजें थी, जो हमें चाहिए था। हाँ। इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो हमने लगवा दी। काम हाँ। तो बाकी कंफर्ट वाइज आपको कैसी लगती है ये? भाई कंफर्ट वाइज तो भाई ऐसी बात है कि भाई सेगमेंट में है ना, इससे ज्यादा कंफर्टेबल कोई गाड़ी नहीं बनी अभी तक। अच्छा, मतलब अगर हम सेगमेंट की बात है, सेगमेंट में ये सब आता है जैसे वेन्यू, सोनेट, आपकी 3X वगैरह, तो उससे आप इसको ऊपर मानते हो। हर चीज जैसे देखो, हर गाड़ी में फ्रंट सीट बड़ी सबसे कंफर्टेबल होती है। हाँ। इसमें भाई बैक सीट भी उतनी ही कंफर्टेबल है जितनी फ्रंट सीट है। तो मतलब सेम थाई सपोर्ट, सेम रिक्लाइन एंगल, सब बढ़िया। तो मतलब पीछे बैठने वाला भी आदमी परेशान नहीं होगा कि सिर्फ आगे आगे कंफर्ट नहीं है, पीछे भी हमें कंफर्ट मिल रहा है। भाई कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है इसका। और इसकी जो अभी नई वैन लॉन्च हुई है कर्व, हाँ, उससे भी अच्छा है इसका, क्योंकि उसमें लैग स्पेस नहीं है, हेडरूम नहीं है इसमें, वो भी मिलेगा आपको। अगर आप भाई थोड़ा डिजाइन के चक्कर में जा रहे हो ना उस तरफ, तो भाई थोड़े से इसमें पैसे कम ही लग रहे हैं आपके। तो एक तरीके से टू सीटर गाड़ी है। फ्रंट से तो भाई यही है ना, फ्रंट से तो यही है। बाकी वो एज अ टू सीटर गाड़ी उन्होंने बता दी कि आप आगे बैठ के चलो, पीछे छोड़ोगे लिए इतना कंफर्टेबल है। डिजाइन ही है, डिजाइन चलो कूपे डिजाइन बना दिया, वो कुछ अलग करा टाटा ने। बाकी तो सब सेम है, डैशबोर्ड वगैरह सब ही सेम। बाकी तो बिल्कुल सारी चीज सेम है, उन्होंने कुछ अलग नहीं करा, वो बस नेक्सोन की बॉडी पे उन्होंने वो थोड़ा डिजाइन अपना छत में कर दिया। तो मतलब चलो वो भी अच्छा है, टाटा को प्रेज करेंगे, कुछ अलग ट्राई करा उन्होंने। अब अगर इसमें CNG आ जाते है ना, हाँ भाई साहब, ये मैं कह रहा हूँ कि खा जाएगी बहुत सारी गाड़ियों को। अच्छा, ब्रेजा को तो कोई पूछ ही नहीं था अगर इसमें CNG आ गई ना, ट्विन सिलेंडर वाली, ब्रेजा को नहीं पूछेगा कोई भी। फिर तो देखो ब्रेजा, एक तो है ना मारुति वाले वो बहुत करते हैं कि वेटिंग इतनी है, वेटिंग उतनी है, मतलब टाटा में ये चीज थोड़ी कम है, क्योंकि गाड़ी सबके पास होती है, पर वो नखरे दिखाने की तरीके फिर भाई टाटा वाले भी करेंगे, फिर टाटा वाले भी करेंगे, उनको पता है हमारे पास चीज है ना। इसमें CNG आ गई भाई, गाड़ी की आप देखना नंबर वन गाड़ी बिकेगी हर महीने पूरे साल भर भाई। बगाने में तो ये गाड़ी ऐसी है, कोई गाड़ी आ जो, अच्छा 5 गियर वाली है मेरी अभी भी। हाँ। भाई इतने मजे आते हैं इसको भाई, मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई भी सेगमेंट में गाड़ी इसको रेस में हरा सकती है। इस सेगमेंट में चाहे XUV आ जाओ, चाहे कुछ आ जाओ, अच्छा ये तो भाई जीतेगी। चलो ये कुछ बात होगी। बाकी हमने पुरानी वीडियो में बात करी थी कि जो एवरेज माइलेज की अगर बात करें ना, तो 5 गियर वाली में ज्यादा है और 6 गियर वाली में कम है इससे, तो उसका क्या था भाई? पहले मेरा परसेप्शन था कि भाई 5 गियर में ज्यादा है। हाँ। अब मेरा थोड़ा चेंज हो गया, अब 6 गियर में ज्यादा है। 6 गियर में ज्यादा है, क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा अच्छा ही है। हाँ। 6 गियर हमेशा अच्छी है भाई, मतलब RPM थोड़ी लो चलती है तो एवरेज अच्छी देती है गाड़ी। अरे भाई इस गाड़ी का देखो, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा भाई, ये कभी तो दे देगी 17-18 के माइलेज। ठीक है। और अभी मैंने टंकी फुल कराई, आप देख पा रहे हो फुल है, 491 की रेंज दिखा रही है अभी। भाई साहब मेरा दिमाग हिल गया, मैंने जब कैलकुलेट करा ना, अभी हम रक्षाबंधन में गांव वगैरह गए थे। हाँ। भाई इसने मेरे को दिए 11.7 की माइलेज, 11.7 हाईवे पे। अरे यार क्या ही हो गया, गाड़ी जब शुरू में थी तो लोग कहते हैं कि गाड़ी है ना थोड़ी रमा होगी ना, उसके बाद माइलेज अच्छी देगी, हमारी गाड़ी की कम होगी भाई। पता नहीं। चलो ये अपनी मन मर्जी से चल रही गाड़ी, इसी अपने दिमाग इसका कुछ चला रहा है। अब शायद ये तेल चेंज मांग रही है, अब तेल चेंज मांग रही है, तो वो देखो सर्विस ड्यू है इसकी 10,000 के आसपास चलने वाली। ये भी नहीं कि कई लोग कहेंगे कि भाई टायर प्रेशर कम होगा, भाई जहाँ पे तेल भरवाया उसी पंप से भाई, पीछे में इसमें हवा कम थी, पूरी करवाई हवा फिर चलाई है। तो मतलब कोई भी इसमें तो दिखा रही थी 20 स्पीड की रखी थी, स्पीड इको मोड में यार 2000 RPM के नीचे
फिर तो भाई देखो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है सर्विस ही मांग रही है अभी है। देखो भाई, अब टाटा की में पहले होता था कि 10,000 किलोमीटर पे हो जाती थी, अब ये करेंगे भी 15,000 अब पे। ये कम से कम 13,000 तो चलेगी गाड़ी कम अब मैंने एक दिन मैं रात को सो रहा भाई, मैं कैलकुलेट कर रहा कि तेल कितने का पी गई होगी अभी तक। हाँ भाई अभी तक 70,000 का तेल पी गया है। देख लो कितनी चली है ये अपनी, दस 94, हजार 10,000 10,000 चली। भी नहीं हाँ चली, दस हजार 10,000 चली तक आप ये मान लो 75,000 का तेल पी जाएगी। देख लो भाई, कैलकुलेट कर लेना भाई खुद ही। खुद ही कैलकुलेट करना, बाद में हमें वीडियो में बोलना कि ये ऐसे कह रहे थे। तो ये टोटल हमारी कुछ वीडियो थी। तो एक बार भाई अपने चैनल का नाम बताओ, अगर किसी को इस गाड़ी कंटेंट देखना तो भाई के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम बताओ भाई। भाई मेरे चैनल का नाम है रिव्यू विद आर्यन। अगर अच्छा आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना है, देखो माइलेज का मैंने वीडियो डाल रखा है, हाँ मॉडिफिकेशन का डाल रखा, ओनरशिप मैंने डाल रखी, नेगेटिव के मैंने डाल रखी, ये तो है ही गाड़ी। हाँ इसके बाहर आपको भाई कोई भी गाड़ी हो, ओनरशिप वगैरह जो भी चाहिए हो, हम बैठे हैं। तो सारी आप वीडियो भाई के चैनल पे देख सकते हो, बाकी मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हो। हाँ जी, तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।